काफी रश में थे और काफी टेंस लग रहे थे आप दोपहर को। हाँ, मैं पुलिस स्टेशन गई थी। आदिल ने बहुत गलत एक मेरे लिए बयान दिया था, बहुत गंदा। जाके मैडम को मिली मैं, मैं इस पे तो विश्वास करती नहीं हूँ, मैं ये कुरान की फिर से झूठी कसम खा लेगा। बहुत गंदा मेरे लिए बयान दिया, बहुत गंदा, जो एक औरत कभी नहीं सोच सकती है, बहुत गंदा। मैं बोली झूठ बोलो तो ढंग का तो बोलो यार। फिर मैडम ने उसको फोन पूछा, तभी बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत गंदा बोला, पता है ना, बहुत गंदा मेरे लिए बोला। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे लिए ऐसा गंदा बोले, मेरे पे दाग लगे, मैं अपने पे दाग कभी नहीं लगा के लूंगी। हाँ नहीं, उसने ऐसा बोला कि अथर रोड जेल में एक बंदा मिला था, उसने कुछ मेरे लिए गंदा बोल दिया। तो मैंने उधर, अगर तू पति था, मेरे को प्यार करता, तो फटके देने चाहिए था ना उसको। बोलता है, फिर मैडम ने उसको पूछा, बाद में डिनाई किया। सारी जिंदगी कब्र में जाते जाते मतलब इतने दाग दे दिए कि मिटा नहीं पाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बातचीत नहीं, वो डायरेक्ट उनसे बात कर, हमको मिलने का मौका नहीं देते और मैं ना ही मुझे मिलना है। हाँ, उनको कुछ कपड़े या कुछ भी ज़रूरत है, बीवी तो हुई ना मैं, कपड़े या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है हम प्रोवाइड करेंगे, बट शायद वो मुझसे नहीं ले रहे, वो पति चोर से ले रहे। क्यों ऐसा लगता है? नहीं, कपड़े चेंज हो रहे हैं ना, इतने बैग भर के कपड़े आए हैं। नहीं, मैंने देखा ना उस दिन, कल मैं मिलने गई थी तो बैग भर के कपड़े थे वहाँ, तो कौन लाके दिया, यहाँ पे तो उनका कोई भी नहीं है। मैसूर से क्या क्या कुछ खबर आ रही है? मैसूर जाने वाला है केस, और आप भी मैसूर जाने वाले हो, इसको लेके क्या? हाँ, मैं मैसूर जाऊंगी, मैं मैसूर जाऊंगी, वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा ससुराल है डेफिनेटली मैसूर। आदिल का ये ससुराल है, तो आदिल अभी ससुराल में है। हाँ, आदिल के घर वाले ने कुछ आपको कॉल करने की इस दौरान कोशिश की, या फिर आपने उनको कॉल करने की कोशिश की? मैंने एक बार को कॉल किया था उनके डैड को, उन्होंने काट दिया, बात नहीं की। काट दिया। मैं मैसूर जाऊंगी तो उनके घर जाने वाली हूँ, एक बार जाऊँ तो सही, जाना भी चाहिए आपको। मैं कैसा है घर, क्या है, मैं तो कभी, आदिल तो मुझे कभी लेकर नहीं गए, अब तो मैं घुस जाऊंगी। ससुराल है भाई मेरा, इसके पहले कोई और घुस जाए मैं घुस जाऊंगी जाके, क्या बोलती हो? मेरा पति मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद ही घुसूंगी। पति चोर की भी बैंड बजानी है मुझे, उसकी अपने आप बच्चा है, बैंड बजी हुई है मेरे घर। मैंने सुना है कि कल जब उनका कुछ क्या हुआ, मीडिया से काफी डर चुके थे, आपकी पति चोर मीडिया से काफी डर रही थी, जवाब ही नहीं दे रहे। डरना तो चाहिए, जब गुनाह किया है, किसी का घर तोड़ा है, पति चुराया है, कितने दिन चुराएंगे पति? राखी जी, आपने जैसे कि आदिल पर केस दिया है, लेकिन पति चोर है, उस पर आपने कुछ कार्रवाई नहीं? सारे केस एक साथ में ही कर दूं क्या? पुलिस उतनी खाली बैठी है क्या? हौले हौले, धीरे धीरे, अभी तो इतनी धाराएं हैं मेरे साथ साथ, 8-8 धाराएं हैं। एविडेंस जुटा रही क्या आप? नहीं, एविडेंस तो है, फोटोज है, ऑडियो है, वीडियो है, लेकिन हमारे यहाँ पर कानून में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होता है तो केस होता है, बट मैडम तो चुप चुप के रंग रैलियाँ मना रही है कैमरे के सामने, तो पति चोर डर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। आप दोनों मिलना पसंद करेंगे उनसे, मतलब बात करना, ऐसा क्यों किया तूने, मेरा घर क्यों जाना?
ऐसा आप मतलब बात करना कोशिश करेंगे? इनसे पूछो, अगर कोई चोर सामने से आके हमसे बात करना चाहेगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन चोर सामने तो आए, चोर एक बार सामने तो आए, वो इंसान जो डर रहा है 100% चोर है, वो सिर्फ फोन पे ही गिदड़ भपकियां दे रही है। पति चोर को तो मेरी शर्लिन, मेरी दोस्त, मेरी जान, उस वही निपट लेगी अकेली। वो मेरी जान है शर्लिन चोपड़ा। कपड़े प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो आप आदिल को, उनके अपने ससुराल जाने की बात कर रहे हो, उनके साथ इतना बर्ताव हो रहा है, कभी मन में ये नहीं आया कि आपको दया आ रही है उन पे? भाई तेरी बहन है? नहीं नहीं, आपकी बहन है। आप सोचो कि मैं आपकी बहन हूँ और मेरी शादी हो गई है उनसे, और मुझे बहुत प्रताड़ित किया भाई, मेरा केस सुनो। तो फिर अगर जो अगर आप मेरे को सच्चे दिल से बहन मानोगे ना, तो आप मेरे को कभी नहीं बोलोगे आपको आपको उस पर दया आ रही है क्या, उसने जितना मुझे टॉर्चर किया, मेरा केस पढ़ो। आप समझ रहे हो ना, बहुत बहुत सहा है मैंने, मेरी माँ चली गई, रुलाओ मत अब मुझे, बहुत रो लिया, अब उसके रोने के दिन आए हैं। राखी जी, इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट ईयरिंग में किस तरह से आपकी आपके एंड से पेशकश रहेगी? अभी तो पुलिस जो मुझे ओशिवारा पुलिस पे पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी जो हार्ड ऑन मनी जो पूंजी है वो निकल आए, मेरी पूंजी निकल आए, मेरी माँ तो वापस आ नहीं सकती है ना, मुझे कोर्ट से मेरी पूंजी मिल जाए, जो जो भी मेरी माँ के जेवर है वो मुझे मिल जाए, जो भी कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट के हाथ में है, नो डाउट पति पत्नी का मामला है, कोर्ट के हाथ में और ओशिवारा पुलिस स्टेशन के हाथ में है, और मैं कानून कभी हाथ में नहीं लेती हूँ, मुझे कानून पे विश्वास है। क्या बोलते हैं? और रजनी ताई साळुंकर, रजनी साळुंके आयो है ओशिवारा पुलिस स्टेशन में, वो एक महिला है और उन्होंने मुझे बहन बोला है, और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो स्ट्रांगली कर रही है, बैंड बजा के सब पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आदिल की दूध का दूध पानी का पानी होगा, पानी नीचे जाएगा दूध ऊपर आएगा, देखना। ताकि अभी आप आदिल से मिले थे तो उनका रिएक्शन क्या था आपको हाय हाय, जो प्यार उभर रहा था, वैसे हेकड़ी उसकी गई नहीं, पहले उससे देख रहा था गुस्से, कोर्ट में भी गुस्से से देख रहा था, फिर मुझे ही देखे जा रहा था, मैंने नहीं देखा हालांकि, क्योंकि अंदर मुझे दर्द है ना, एंड बहुत ही प्यार से देख रहे थे, आई लव यू बोला और ऐसा किया मैंने, मैंने घर में कभी नहीं किया भाई, आई लव यू बुलवाने के लिए ऐसा करने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ा भाई। वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, अभी सब निकलेगा, ऐसा ऐसा मां मां सब सब यहां से पानी निकलेगा, यहां से निकलेगा, सब झूठ है, वो सब नाटक है उसका, मैं जानती हूँ, 8 महीने मैंने गुजारे हैं। राखी, मैं जानना चाहूंगा जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया कि कल आपकी मुलाकात हुई, क्या उनके कोई करीब भी उस कोर्ट में थे जो आपसे संपर्क करने की कोशिश की, उनके उन्होंने कोई मैसेज पहुंचाया रहेगा, आदिल ने उनको कहा रहेगा कोई? उसको ऐसा लगता है कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करके पुलिस स्टेशन में बुलाऊंगा, कोर्ट में सबूत पेश करूंगा, तो भैया मुझे पहले 100 कॉल आए हैं मिलने के लिए, मैं भी कोर्ट में पेश करूंगा, कानून तो अभी रोज कोर्ट कचहरी जाके मैं लॉयर बन गई हूँ, अभी खुद ही केस, दिल काला कोट पहनूंगी, खुद का केस खुद ही लड़ूंगी, दिल कर रहा है अभी मुझे, तो जैसे परेश रावल जी ने किया, हाँ ऐसा कर रहा है। तो ये दुनिया में सिर्फ सबूत चाहिए होते हैं, और ज़रूरी नहीं जिसके पास सबूत नहीं होता कि वो बेकसूर नहीं होता, खुदा है ना सबूत पैदा कर देता है कहीं से भी। पूरा फुल सेटिंग कर रहे हैं आदमी, फुल जोर लगा रहे, हाथ पैर मार रहे, लेकिन देखिए एक बार मैं भी जिंदगी में ना, मैं इंसान हूँ, मैं मिट्टी हूँ, उनको खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने कल भी बोला नमाज पढ़ना जुम्मे की, 5 टाइम नमाज पढ़ो, खुदा से माफ़ी मांगो, मुझसे नहीं, मैं तो कोर्ट में हुई हूँ,
ऊपर वाले ने माफ कर दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा। राखी, इन केस जितने भी आप एलिगेशन लगा रहे हो आदिल पे, जो भी पैसे बोले कि एलिगेशन आप लगा रहे हो, सब मामला अगर सॉल्व हो जाता है आने वाले समय में, केस आपकी तरफ बढ़ जाता है, आप अगर केस जीत जाते हैं, फालतू जी आपकी केस लड़ रही है वो जीत जाती है, तो इन फ्यूचर क्या आप आदिल पे डिवोर्स फाइल करोगे? मैं तो कभी डिवोर्स फाइल नहीं करूँगी। मैं तलाक में बिलीव नहीं करती, मैं घर बसाने में बिलीव करती हूँ, तलाक में मैं कभी बिलीव नहीं करती हूँ। एक ही चांद, एक ही सूरज, एक ही शादी, एक ही पति, पाक रहना है। पाक आप रहेंगे ना तो खुदा का जो आत्मा है आप में आएगा और आप सही रास्ते पर चलेंगे। चाहे वो आए ना आए, इनके नाम से मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी और एक क्यूट सा बच्चा अडॉप्ट करूँगी और उसकी परवरिश करूँगी मैं। Am I right? Any question?